अगर बॉडी में कोई सोजिश है या इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें आप प्रोन होते हैं, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है ये. और जैसे आपने बात की कि जो है इसका पानी, तो पानी डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि इसका पानी पिएं. और उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है जिनको मैदे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं. सो ये जो कोकोनट है, ये इसमें आपको हेल्प आउट कर रहा हो. कोकोनट ऑयल कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं अंटिल अनलेस यू आर एलर्जिक टू इट. एलर्जी का तो साइन यही होगा, द मोमेंट आप अप्लाई करें या कहीं पर भी लगाएं तो वहाँ पर रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगी. लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इत्तेदाल में ज़रूर दिन हफ्ते में दो दफ़ा आप कोकोनट ऑयल का आज अपने बालों में आराम से कर सकते हैं. कोई भी जो फ्रूट आप लेंगे तो एक ताज़ा फ्रूट होता है, जैसे आपने अगर इवन आड़ू भी ले लिया, एक आड़ू है जो अगर आप उसको कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वो उसकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी जो कि एक फ्रेश आड़ू की. इसी तरह अगर नारियल का भी है, कोई नुकसान नहीं है, बट थोड़ा सा फ्रेशनेस का इशू होता है कि वो उसमें पानी का कॉन्टेंट भी ज़्यादा है, इसमें पानी भी उसका कम हो जाता है. तो इस तरह लेके हैं हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा. वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि नारियल हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, कितना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, और इसके पानी के हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत ज़बरदस्त है. जी बिल्कुल, आज कोकोनट डे है और बड़ा हमारा जनरली जो कोकोनट एक बड़ा अंडररेटेड किस्म का फ्रूट है. देखा जाए तो ये फ्रूट जो है ये रिच इन फाइबर भी है, हमारे मुल्क में बहुत आसानी से अवेलेबल भी है, इसके बहुत से एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं. अगर मैं बात करूँ कि फ़ाइबर कैसे क्यों हमें चाहिए, सो आप जब भी बात करती हूँ, आपको पता है डायबिटीज़ शुगर हमारे आजकल जो प्रॉब्लम है, हर चौथा बंदा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इज़ डायबिटिक. सो हम हर चीज़ को हाई फाइबर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं. सो ये जो खोपरा, ये जो कोकोनट है, इसका हाई फाइबर आपको ये सारी चीज़ें मीटअप करने के लिए हेल्प करता है. उसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुराद है कि अगर बॉडी में कोई सोजिश है या इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें आप प्रोन होते हैं, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट कर रहा होता है ये. और जैसे आपने बात की कि जो है इसका पानी, तो पानी डेफिनेटली हम रेकमेंड करते हैं कि इसका पानी पिएं. और उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा है जिनको मैदे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं. सो ये जो कोकोनट है, ये इसमें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है. डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा कि अब नारियल को अपनी डेली रूटीन में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, नारियल देखिए, एक तो जैसे बहुत ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका जो है जो उसका गूदा जिसको आप कह रहे हैं वो ड्राई अप हो जाता है. अगर आपने उसको फ्रेश इस्तेमाल कर लिया, काटा है, उसका पानी अलहदा कर लिया और जो उसका फ्रेश उसका जो गूदा वो आपने इस्तेमाल कर लिया. अगर नहीं है तो फिर ये होता है कि उसको बारीक काट के और हल्का सा सौते करके, यानी कि हल्का सा उसको ब्राउन करके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं. उसके अलावा आपने खोपरा का नाम सुना होगा, जो कि नारियल का बिल्कुल पाउडर फॉर्म होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो लोग जिनको चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, नारियल क्योंकि एक सख्त फ्रूट है, अगर आपको चबाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके खोपरे का इस्तेमाल करें और उसको दलिए में आप ऐड कर सकते हैं, उसको आप कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं, आप उसको किसी मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं. तो ये खोपरा मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके साथ, आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों में डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चबा नहीं पा रहे. अगर आप चबा सकते हैं तो नथिंग लाइक कि आप उसको फ्रेश. कितनी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल जो है वो फ़ायदेमंद है, और क्या डेली भी ये यूज़ किया जा सकता है अपनी नॉर्मल डाइट में? आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं. इसका एक जो स्लाइस, जो कटा हुआ स्लाइस जिसको आप कहते हैं ना, फांक जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, आप वो अपनी डाइट में ऐड रखें. सुबह नाश्ते के साथ भी आप उसको ले सकते हैं. और अगर आप चाहें तो इसको, जिस तरह मैंने बताया कि बारीक काट के आप अपने डिफरेंट चीज़ों में, अपनी सैलड में, अपने खोपरा है तो अपने उसमें इस्तेमाल कर लें, तो आप इसको इस चीज़ से कर सकते हैं. और जनरली रिकमेंडेड, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, खोपरा फॉर्म में ले रहे हैं, तो 1 tablespoon इज़ इनफ फॉर अ डे. अगर आप उसको फांक के फॉर्म पर ले रहे हैं तो 1 से 2 फांकें आपके दिन. डॉक्टर साहब, दो तरह के नारियल जो मैंने अभी तक देखे हैं, उसमें से एक कच्चा होता है जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, और एक जो पक चुका होता है उसमें पानी की कम होती है, तो क्या इनमें फर्क है इन दोनों में? जनरली इसकी कोई भी जो फ्रूट आप लेंगे तो एक ताज़ा फ्रूट होता है, जैसे आपने अगर इवन आड़ू भी ले लिया, एक आड़ू है जो अगर आप उसको कुछ दिनों बाद इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसकी वो उसकी फ्रेशनेस नहीं रहेगी जो कि एक फ्रेश आड़ू की. इसी तरह अगर नारियल का भी है, कोई नुकसान नहीं है, बट थोड़ा सा फ्रेशनेस का इशू होता है कि वो उसमें पानी का कॉन्टेंट भी ज़्यादा है, इसमें पानी भी उसका कम हो जाता है. तो इस तरह लेके हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, कोकोनट ऑयल के बारे में कहा जाता है कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वाकई ऐसा है? और ये आपके पास कट रही थी, आप फिर से बोलेंगे? कोकोनट ऑयल के बारे में कहा जाता है कि जी हार्ट हेल्थ के लिए.
अच्छा बिल्कुल, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। मैंने जैसे बताया कि फाइबर है इसमें, ठीक है, जब फाइबर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को वॉश आउट कर देता है या उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो स्कीमिक हार्ट डिजीज यानी का कोई दिल का अर्ज है। तो जो भी चीज़ फाइबर रिच होगी वो आपको इन तीनों चीज़ों में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, हेल्प आउट करी होगी ताकि आपकी सेहत बेहतर हो सके। ओके, तो प्रेगनेंट खवातीन इसको ले सकती है? बिल्कुल ले सकती हैं, प्रेग्नेंट खवातीन इसको ले सकती हैं। और प्रेगनेंसी में जनरली ये इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि जिसका पानी है नारियल का वो बड़ा एल्कलाइन होता है, जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टेंट नौजिया रहता है या जो बहुत ज़्यादा खा पी नहीं, तो वो नारियल का पानी बड़ा सूदिंग इफेक्ट दे रहा होता है। और बच्चों के लिए ये मफीद है या नहीं? बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगेन टेस्ट डेवलप कराने की बात है, कुछ बच्चे आराम से उसको चू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे मैंने मेंशन किया कि आप उनके दलिया में उसको ऐड कर दें और बारीक काट के, या बिल्कुल उसको पाउडर फॉर्म में करके, या फिर आप उसको कस्टर्ड में ऐड कर दें, किसी मीठे में ऐड कर दें, तो वो चीज़ जो है वो बच्चे ईजिली कंज्यूम कर लेंगे। बट हर चीज़ के लिए जैसे एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स के बच्चों को आपको टेस्ट डिवेलप कराने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 5-6 साल उन्होंने कुछ खाया नहीं और अचानक से आप उनको नारियल देना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनके लिए मुख्तलिफ होती है। जहाँ बच्चों की बात, जी कंटिन्यू कीजिए। मैं इसमें एक और चीज़ है, कोकोनट ऑयल जो है ना, जिनको बहुत ज़्यादा एक्जिमा होता है, ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है, उसमें भी बहुत से लोगों को कोकोनट ऑयल जो है उसकी एप्लीकेशन रिलीफ देती है। अच्छा, तो इट्स अ डिस्क्लेमर कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, बट इट हेल्प्स। स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसको? आप उसको अप्लाई, आप चाहें तो आप उसको जहाँ जो आपके अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तब भी बहुत अच्छा है। इवन बालों के लिए भी जो कोकोनट ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, यही सवाल मैं करने वाला था, हेयर ऑयल जो कोकोनट ऑयल जो बालों में इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, तो कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ये इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अच्छा, सर कोकोनट ऑयल कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं अनटिल अनलेस यू एलर्जिक टू इट। एलर्जी का तो साइन यही होगा द मोमेंट आप अप्लाई करें या कहीं पे भी लगाएं, तो वहाँ पे रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, आपको इचिंग होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इत्तेदाल में ज़रूर दिन हफ्ते में 2 दफ़ा आप कोकोनट ऑयल का मसाज अपने बालों में आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में ये बता दें, ऐसे कौन से पेशेंट हैं जो कोकोनट ना खा सकते हैं ना उसका पानी इस्तेमाल कर सकते? 2 चीज़ें हैं, अगर आप एलर्जिक हैं कोकोनट से तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले भी बोला, इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं अनटिल और अनलेस आपको कोई एलर्जी है, तो आप इसको इस्तेमाल मत करें, चाहे उसका पानी है, चाहे वो खुद उसका गूदा है या खोपरा फॉर्म में है। अदरवाइज बहुत कम देखने में आया है कि जो कोकोनट है वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, नारियल की आफादियत के बारे में बात कीजिए, तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें और फिर हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाकर कमेंट करें कि आपको ये इस्तेमाल करने से कितना फ़ायदा हुआ। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कही कि एक्जिमा, अक्सर लोगों को हमने देखा कि उनके सर में एक्जिमा होता है, बहुत ख़ारिश करते रहते हैं, कंघी पकड़कर ज़ोर ज़ोर से, और बाजू में भी एक्जिमा हो जाता है जिल्द के किसी हिस्से में भी, तो वो भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करके उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं।